नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुमार इंजीनियरिंग वर्क्स में। आज हम लोग एक नए वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मिनी बोरिंग मशीन का एक वेरिएंट है, 22 HP आइसर इंजन में है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि इस वेरिएंट में क्या क्या है और कैसे इस वेरिएंट की मदद से आप ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो इस वेरिएंट में जो खास है वो है 22 HP आइसर इंजन है, जो कि कैपेसिटी रखता है 350 से 400 फीट तक बोर करने की आराम से। और इसमें हम लोगों ने 80 LPM का पंप रखा है, जो कि ये उस साइड आपको पंप दिख जाएगा, ये हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है जिसमें 80 LPM है, मतलब जो पंप में फ्लो रहता है वो 80 लीटर पर मिनट का रहता है। और उसके बाद हम लोगों ने इसमें जो हाइड्रोलिक मोटर दी हुई है वो ये आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोलिक मोटर है, ये भी हैवी ड्यूटी मोटर है, जिसमें आप इस इंजन के साथ ये मोटर बिल्कुल कंपैटिबल है, इसलिए ये मोटर हम लोगों ने रखा है। और ये फुली हाइड्रोलिक ऑपरेटेड मशीन है, जिसमें आपको हाइड्रोलिक की मदद से इसका टावर जो है वो उसी से ऊपर नीचे होता है, और जो इसकी मोटर है वो भी हाइड्रोलिक है, जिससे ड्रिल रॉड जो है वो भी हाइड्रोलिक की मदद से ही घूमती है। तो ये देख सकते हैं, ये इसमें हमने 30-35 लीटर का हाइड्रोलिक टैंक दिया हुआ है, और उसके बाद वहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रोलिक पंप लगाया है, और ये हाइड्रोलिक मोटर है जिससे ड्रिल रॉड घूमती है। और ये पूरी मशीन को कंट्रोल करने के लिए एक तरीके से देखा जाए तो ये सेमी ऑटोमेटिक है, तो ये ऑटोमेटिक वाली फील देता है, क्योंकि इसमें केवल दो हम लोगों ने कंट्रोल पॉक दिए हैं, जिसमें एक की मदद से टावर जो है ऊपर नीचे होता है और दूसरे की मदद से ड्रिल रॉड लेफ्ट राइट घूमती है। तो केवल इन्हीं दो कंट्रोल वाल्व को यूज़ करके आप पूरी मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। और ये मशीन जो है इसकी विड्थ और हाइट इतनी है कि आपके, देखिए, आपके जो अंदर कमरे होते हैं, कमरों की रूफ के नीचे आप बोर कर सकते हैं, इतनी हाइट और लेंथ विड्थ है इस मशीन की कि आराम से अपने आपके घरों के अंदर जा सकती है मशीन और बोर कर सकती है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग इसका फीचर बोल सकते हैं, वो क्या है कि ये जो आपको हैंड ये दिख रहे हैं, ये तो यहाँ पे ये नट खोल के दोनों साइड के, ये जो टावर है ये फोल्डेबल है, ये यहाँ से फोल्ड हो के ये इनके ऊपर रख जाता है। तो इस मशीन की जो हाइट है लगभग 2-2.5 फीट और कम हो जाती है, तो ये आने जाने में या किसी कहीं पर फंस रही हो तो ये फोल्डेबल टावर बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो दो बड़े बड़े व्हील दिए हैं, अगर आपकी हाइट और कम करना चाहते हैं तो इन पहियों को हटा देते हैं हम लोग, और ऐसे चार आपको दिख रहे होंगे चारों कॉर्नर पे लगे हुए, उनमें हम लोग छोटे छोटे पहिए लगा देते हैं, जो इंजन के नीचे पहिए लगे आपने देखे होंगे वो वाले पहिए लगा देते हैं। और इस मॉडल में हम लोग 3-4 प्रकार के इंजन रखते हैं। ये आइसर का 22 HP इंजन है सिंगल सिलेंडर, इसी में हम 26 HP डबल सिलेंडर रखते हैं, 38 HP तीन सिलेंडर इंजन रखते हैं, और इसमें हम फील्ड मार्शल का भी इंजन रखते हैं और टाटा का ट्रक का रिन्यूड इंजन भी रख देते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप यहाँ आते हैं, या फिर आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं जाते हैं, तो आपको इसमें मल्टीपल वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सक्षम है 300 फीट से 250-300 फीट से आपको 500-600 फीट तक ड्रिल कर सकती हैं। ये मिनी पोर्टेबल मशीन है, तो ये वाला जो वेरिएंट है ये अप टू 400 फीट तक जा सकता है, मतलब 350-400 फीट तक आराम से ड्रिल कर सकता है। और इन मशीनों की खासियत ये और है कि फुली हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है, तो इनमें ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, जो मतलब कि जो ऑपरेटर होता है वो केवल एक ऑपरेटर और उसके साथ एक हेल्प करने के लिए कोई सा भी लेबर हो, तो ये मशीन आसानी से चला सकते हैं आप। और इसके लिए इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं और एक दो बार चलाते हैं तो आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। और आप हमारे यहाँ आते हैं तो इसका ट्रायल भी आपको देखने को मिल जाता है, या फिर आप हमारे YouTube चैनल कुमार इंजीनियरिंग वर्क्स पे जाके इसके वीडियो देख सकते हैं ऑपरेटिंग वाले, या फिर आप Facebook या Insta किसी अदर प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो कुमार इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे वीडियोज़ फ़ोटोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे आपको डिस्क्राइब किया जाएगा कैसे ये मशीन चलती है और कैसे ड्रिलिंग करती है।